अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ इन स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज है 5.10। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल बाय एचसीएफ। तो एचसीएफ के जरिए हमने यहाँ पे एलसीएम को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 9 आज का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेना है, यानी कि 3x³ + 9x² - 84x = 2। अब यहाँ पर अगर हम 3x को कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 3x³ है, तो 3 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि एक x बाहर मौजूद है। फिर प्लस का 3x आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, बाहर एक x मौजूद है, अंदर 2x हैं, तो फिर 1 आएगा, ठीक है। फिर माइनस का 84 आता है 28 पे, तो माइनस का 28। अब 3x इसी तरह से रहा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, अगर हम इसे प्लस का 7x माइनस का 4x करें और इनको आपस में माइनस करें तो 3x रह जाएगा और माइनस का 28। इसके बाद 3x कॉमन लें अगर हम यहाँ पर x को, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 7। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 4 को कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 4 के टेबल में 28 आता है 7 पे, ठीक है। तो 3x इसी तरह से, और फिर x प्लस 7 कॉमन आ गया, और फिर x माइनस 4, ये आ गया फर्स्ट पॉलीनोमियल का आंसर। इसके बाद सेकंड पॉलीनोमियल लेना है 4x² - 24x³ + 3x². अब यहाँ पर हम 4x² को कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 24 आता है 6 पे, तो 6, बाहर 2x मौजूद हैं तो अंदर आएगा 1x, फिर 32, ये 32 है, ठीक है, यहाँ पर ये 32x है, तो 4 के टेबल में 32 8 पे आता है, तो 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4x² इसी तरह से रहा। यहाँ पर हम x² माइनस 6x को खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2x + 8, और यहाँ पर 4x² कॉमन लेंगे यहाँ पर x को तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4, फिर यहाँ पर हम माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो ये हो गया 4x² इसी तरह से। फिर यहाँ पर आ गया x माइनस 4 कॉमन और x माइनस 2, तो ये आ गया सेकेंड पॉलीनोमियल का आंसर। अब हमने एलसीएम को फाइंड करना है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ है यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है तकरीबन, तो यहाँ पर से हम एक्स ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4 जो कि है दोनों में कॉमन, ठीक है। तो ये एचसीएफ आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है, एलसीएम होता है फर्स्ट पॉलीनोमियल इनटू सेकंड पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। तो इन फर्स्ट दो पॉलीनोमियल की जगह हम इनका जो सवाल है वो नहीं लिखेंगे, जो आंसर आया है इन दोनों का वो लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलीनोमियल में हमारे पास आया था 3x और x प्लस 7 और x माइनस 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4x², देन x माइनस 4 और x माइनस 2, और ये डिवाइड होंगे एच सी एफ यानी के x और x माइनस 4 से। तो ये x माइनस 4 इससे कैंसिल, ये x जो है इस x से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है वो इस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 × 4 = 12x², ठीक है, और साथ में ये बाकी इसी तरह से आ जाएंगे, यानी कि x माइनस 4, x प्लस 7 और x माइनस 2 आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी, उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।